जी क्या हाल चाल। आज हम पहुंच चुके हैं नागपुर, आपको बताने वाले हैं नागपुर का रेड लाइट एरिया आप कैसे जा सकते हैं, साथ साथ में यहाँ पे रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन में क्या क्या चीजें हैं पूरी जानकारी देने वाले हैं। और जब कभी भी आप रेलवे जंक्शन आते हैं ना, यहीं से आपको रेड लाइट एरिया जाना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो देख सकते हैं ये रेलवे जंक्शन है जहाँ से आपको आना है। जब कभी भी आप रेलवे जंक्शन आते हैं तो यहाँ से जो है आपको जाना पड़ेगा, और कैसे जाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है मेन एंट्रेंस गेट है जो कि एग्जिट पॉइंट है, इधर से भी एग्जिट हो सकते हैं, साथ साथ में इसके पीछे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 18 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर है जो कि 1 की ओर इस तरीके से बनाया गया पूरी तरीके से। अगर आप रात को देखें तो रात को भी यहाँ पे आपको काफ़ी लोग नजर आ जाएंगे और रात को भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रात को भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, साथ साथ में दिन में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आपको जाना है उस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटोज लेना और ऑटो के माध्यम से यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे रेड लाइट एरिया कहलाता है जिसका नाम है इतवारी चौक। इतवारी जो है, इतवारी कहते हैं गंगा जमुना इतवारी, जो कि किसी को भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। और वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन जो ऑटो वाला है उसको आप कभी भी ना बोलें कि हमें वहाँ पे जाना है, आपको बोलना है इतवारी हमें जाना है। और जस्ट वो पूरा जो एरिया है वो रेड लाइट एरिया ही कहलाता है पूरा, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये है इतवारी चौक, इतवारी कहते हैं जो कि गंगा जमुना कहते हैं उस जगह को, इतवारी गंगा जमुना, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर, साथ में वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है तो वहाँ के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन में हैं तो वहाँ से जो है आपको उतरेंगे तो वहाँ से पास पड़ेगा इतवारी जंक्शन में अगर आप उतरते हैं तो, और अगर आप नागपुर जंक्शन में उतरते हैं, नागपुर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आपको एग्जिट होना है। 8 की ओर ना एग्जिट होइएगा, 1 की ओर एग्जिट होइएगा, क्योंकि 1 की ओर क्या है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हमेशा जो ऑटो वगैरह लगी हुई रहती है, कैब वगैरह, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। यही 1 है, आप देख सकते हैं 1 के साइड में अभी बनाया गया, इनोग्रेट भी किया गया, बहुत ही सुंदर ये पूरा बिल्डिंग है। तो यहाँ से जब आप निकलेंगे बाहर की ओर, जब आप निकलेंगे इस गेट से, तो बाहर में ही आपको यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, उन गाड़ियों के माध्यम से आप जा सकते हैं। 10 से 20 रुपये आपको लेगा, जो कि 3 किलोमीटर है, यानी कि जो सामने वाला दिख रहा है ये रोड जाती है सीधा की ओर। तो यहाँ से निकल के आपको सीधा उधर ही जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद फिर आप वो जो पूरा एरिया कहलाता है वो रेड लाइट एरिया ही कहलाता है, जो कि गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें से काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, और इसीलिए हम आज आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, और वो भी रात्रि को दिखा रहे हैं। अगर आप रात को यहाँ पे इन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रात को ही लोग अक्सर जाते हैं और रात को भी आप जा सकते हैं, दिन में भी घूम सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग निकाल के और फिर जा सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो रात को आपको यहाँ से एग्जिट होना है, और एग्जिट होने के बाद फिर यहाँ से आपको गाड़ियाँ वगैरह लेना और जा सकते हैं। तो अब भी देख सकते हैं ये है पूरा मामला रात्रि का, जो कि रात्रि में भी दिन के तरह ही दिखता है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, रात को विजिट कर रहे हैं या दिन में, हमेशा लोगों की जनसंख्या जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं दोस्तों, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसका भी वीडियो हमने बनाया है, जो कि हम अभी आपको इसमें अटैच कर देंगे और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें सारी जानकारी हमने दिया कि किस तरीके की व्यवस्था रहती है। सामने एक स्क्रीन बोर्ड बहुत ही बड़ा लगाया गया, जो कि कौन सी ट्रेनें कब आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। अगर हम उस साइड पर बात करें तो आगे हम आपको ले चलते हैं। देखिए ये जो पूरा टूर है ना, ये रेलवे स्टेशन का है, और यहाँ पे जो है आपको 4-व्हीलर गाड़ी जो है वो आपको यहाँ पे पार्क करने की सुविधा मिल जाती है, और 2-व्हीलर भी पार्क करने की सुविधा अवेलेबल है। तो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रेलवे स्टेशन के जंक्शन के सामने ही आपको पार्क करने का सुविधा मिल जाता है। 24 घंटे के लिए 150 लगभग लग जाते हैं, 150-300, और 3 घंटे के लिए 50 रुपये या कुछ इसका रेट है, जो अभी हम आगे आपको दिखा देते हैं, और 2-व्हीलर का अलग रेट है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये रेलवे जंक्शन के जस्ट सामने देख सकते हैं ये ओवरब्रिज गया हुआ है, जो कि यहाँ से आपको मेन रोड चालू होता है, और यहाँ से जो है सामने के लोकेशन में आपको बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, होटल वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे कम बजट में या जैसा आपका बजट है उस तरीके से होटल वगैरह सुविधा मिल जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ से दूर में बात करें तो आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जहाँ पे 100-200 रुपये में आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, और फिर वहाँ पे जो है 200 रुपये मिनिमम होता है और रुक सकते हैं और फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रात को यहाँ पे होटल में रुकना चाहें तो होटल जो है थोड़ा सा महंगा है, स्टेशन के जंक्शन के सामने ही देख सकते हैं एक बड़ा सा इंजन लगाया गया, जो कि वो भी एक हर एक
जगह पे होता है, इंडिया का फ्लैग भी इस साइड नहीं है, उस साइड पे है। उस साइड पे अगर आप यहाँ पे डायमंड रेलवे क्रॉसिंग देखना जाना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो कि उस साइड पे पड़ता है, वहां से आपको पैदल जाना है वहां से, और 800 मीटर में वो आपको दिख जाएगा। उसका एक वीडियो बनाया पार्टिकुलर, वो भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ की ये है कि अगर आपको मेट्रो जाना है, मेट्रो स्टेशन जाना है, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे एग्जिट होना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर अगर आप एग्जिट होते हैं, वहां से 200 मीटर के रेंज पे ही मेट्रो का सुविधा है नागपुर में, जहां से मेट्रो पकड़ के 11 बजे रात तक मेट्रो चलती है, फिर आप नागपुर के कोई भी हिस्सों में मेट्रो पकड़ के जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे 11 बजे रात और 6 बजे सुबह से आपको मेट्रो मिल जाएगा, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर, और मेट्रो का नाम है आपका नागपुर रेलवे स्टेशन, मेट्रो का नाम ही है मेट्रो स्टॉपेज का, वहीं पे आपको उतरना है और वहां से आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे जंक्शन आ सकते हैं और नहीं तो फिर जा सकते हैं। अगर हम रेड लाइट एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है रेड लाइट एरिया एक गंगा जमुना करके है, जो कि इतवारी चौक कहते हैं, इतवारी चौक गंगा जमुना, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो पूरा रेड लाइट एरिया कहलाता है। वहां पे रात्रि को आप जा सकते हैं और वहां पे एक जंक्शन भी है, एक रेलवे स्टेशन भी है। अगर आप ऑटो वालों के साथ जा रहे हैं तो आप उनको ये ना बताएं कि हमको रेड लाइट एरिया जाना है, उनको आप बताएं कि हमें इतवारी चौक जाना है, तो आपको वहां पे छोड़ देगा, देन वहां से फिर आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर वो ऐसे बताते हैं तो आपके साथ छिनतई या कुछ ऐसा हो सकता है। और बसें वगैरह अगर आपको यहाँ पे एमपी वगैरह के लिए चाहिए तो ये बसें लगातार चलती रहती, देख सकते हैं अभी भी क्रॉस कर रही है, तो ये बसें आपको मिल जाएंगे जस्ट जंक्शन के सामने, जहाँ पे बुकिंग होता है। बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और बुकिंग कराते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे बुकिंग करा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो माध्यम है खाने का, रेस्टोरेंट आपको हल्दीराम का मिल जाएगा, जो कि हमने दिखाया आपको कि वो जो पूरा जो वो रेस्टोरेंट है वो ट्रेन में बनाया गया है, तो वहां पे आप खाना पीना खा सकते हैं, बहुत ही स्वच्छ। और हल्दीराम का आप जान सकते हैं कि बहुत तरीके से स्वादिष्ट भोजन भी होता है, तो वो आप खा सकते हैं और वहां पे ले सकते हैं। हम का रेस्टोरेंट है जो कि रात्रि का दृश्य है, पूरी तरीके से सजा दिया गया, और रात्रि में भी देखें तो यहाँ पे लाइन लगा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यही रेलवे जंक्शन है नागपुर का, जो कि कुछ इस तरीके से आपको रात्रि को देखने को मिलेगा। तो 24 घंटा ये ओपन रहता है, अभी रात्रि का काफी टाइमिंग हो गया, लेकिन देखिए लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा, इंडिया का फ्लैग सामने भी है, इस साइड पे भी, उस साइड पे भी है। तो मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर उतारेगा, वहां से आप आ सकते हैं। और इधर दोनों साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, दोनों साइड में रिजर्वेशन इस साइड पे होता है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वो सामने बिल्डिंग है वहां पे आपको रिजर्वेशन होगा, वहां से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, देन आप प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं और फिर ट्रेन ले सकते हैं। आपको जो गाड़ी छोड़ेगी वो इस तरीके से आती है, सामने के लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे उतार के वो छोड़ेगी, और देन अगर आप रिसीव करने आपको कोई आ रहा है तो यहाँ पे पार्क करके वो रख सकते हैं। अगर जल्दी आ रहे हैं और तुरंत आ रहे हैं तो वहां पे रिसीव करके और फिर इस वाले रूट से आप निकल सकते हैं, इसका कोई चार्जेबल नहीं है। अगर आप गाड़ी यहाँ पे रखते हैं तो चार्जेबल है। ये पूरा लोकेशन जो है ये पार्किंग एरिया है, और सामने के लोकेशन में बहुत सारे होटल मिलेंगे, खाना हालांकि अच्छा नहीं है यहाँ पे, लेकिन होटल बहुत सारे बने हुए हैं, बाकी आपको जैसा लगे उस तरीके से खा सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप हल्दीराम में खाएं, यहाँ पे थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा खाना है, सही लगेगा, ज्यादा आइटम नहीं है बट सही लगेगा आपको खाने पीने में और सुविधाजनक लगेगा। तो ये है पूरा टूर जो कि हमने आपको दिया जंक्शन का, और आशा है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नागपुर का और भी वीडियो हमने बनाया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज, और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी तरीके से नागपुर सिटी। देख सकते हैं ये है सामने के लोकेशन में जो आपको दिख रहा है, यही हल्दीराम का रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं पूरी तरीके से, जो कि रात्रि को भी ओपन रहता है, ये 24 घंटे ओपन रहता है, 24 आवर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे नागपुर जंक्शन में आपको जो है